ande bare le no anili je नेक्स्ट टाइम भी आप प्रोग्राम करांगे जिन्हें भी असं पंजाब वाले आए हैं इतने आप लंगर लगाव साडे गुज्जर भाई है वो इन्हें होते थे सानू नहीं पता था बिल्कुल अज असी तो देखने से सानू बड़ा माण होया कि साडे गुज्जर भी तक पहुँच गए गुर्जर समाज में और गुर्जर समाज के मेले को देख के क्या मतलब क्या फीलिंग है मैं कह जी गदगद हो गया ना अच्छा नज़ारा आ गया नमस्कार दोस्तों मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूं भारत के गुर्जर के चैनल में जैसा कि आज आप इस उत्सव में देख रहे हैं ये आयोजन जो गुर्जर समाज का हो रहा है काफ़ी दूर दूर से हर राज्य से लोग आ रहे हैं काफ़ी ये टीम हमें मिली पंजाब से आई है इनसे भी बात करेंगे आज इस आयोजन को किस तरह से देख रहे हैं सर स्वागत है सबका भारत के गुर्जर चैनल में आज ये जो प्रोग्राम है इसकी जानकारी कैसे मिली आपको और किस तरह से शुरुआत हुई इसमें हमारे पास यहाँ के कुछ लोग थे वो हमें गए थे वहाँ हमें मिले थे वो उन्होंने हमें इन्वाइट किया और उसी के जरिए हम यहाँ पहुँचे और ये प्रोग्राम हमें बहुत बढ़िया लगा बहुत एकदम पता लगा कि गुज्जर कम्युनिटी कुछ है बिल्कुल अच्छे अच्छे आदमी आए अच्छे अच्छे हम लीडर देखे यहाँ कोई एमपी कोई एमएलए कोई मंत्री कोई पहलवान हर तरह का देखा लेकिन इतनी अच्छी फीलिंग हमें पहले कभी नहीं देखी बिल्कुल तो आज जब आप यहाँ से जाएंगे हाँ। और लोगों को बताएंगे कि एक ऐसा महोत्सव हम गुर्जर समाज का देख के आए हैं तो क्या आप कहेंगे किस तरह से हम कहेंगे कि अगर अगले साल होता ये महोत्सव तो हम जो हमसे पूछे उनको भी साथ में लेकर आएंगे मेरा नाम सुच्चा सिंह जी पहले मेरी कसाना साहब थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत जिन्होंने हमारी पंजाब की रिकॉर्डिंग की है मैं सुच्चा सिंह जी बिजली बोर्ड सर्च करता तो मैं चंगर साढ़े जो गुज्जर सभा मैं प्रधान हाँ अच्छा अच्छा प्रधान जी आप तो प्रधान जी किस तरह से आप देख रहे हैं इसे जो मेला है किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या आज एक मैसेज यहाँ से जाने वाला है इतों जोड़ा मैसेज है बहुत बड़ा मैसेज आना क्योंकि वर्ल्ड तक मैं लगता भी घट्टो घट वर्ल्ड तक खबर जी है गुज्जर महोत्सव की गई है बिल्कुल बहुत बढ़िया चाहे किसी भी पार्टी का कोई एमएलए है एमपी है कुछ भी है मंत्री है सारे थे सबसे बड़े इस समाज की खासियत ये है इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि ये सर्व समाज के द्वारा हो रहा है हाँ सर्व समाज के द्वारा हुआ है असं ये चाहते हैं कि जो मैसेज जाना समाज के बीच जाना है साढ़े जो होर गुजर जिन्होंने नहीं पता लगे बिल्कुल जो अगली बार प्रोग्राम होंगे तो वह भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे बहुत बड़ा जरा गुजरों की पहचान हमारी बरादरी हमारा समाज का जो पिछोकड़ है जो हमारी संस्कृति गायब हुई है आज हमारे को उस संस्कृति की देखने की झलकियाँ जो मिली हैं जैसे हमारी उम्र जब हम छोटे छोटे थे तो हमने देखा था कि हमारे जो मदर थे दादी थी वो ऐसे कपड़े जो लहंगा पहनते थे बिल्कुल वो आज देखने को मिला है इससे इतनी खुशी मिली है कि ब्याह से भी ज़्यादा खुशी मिली है जो भी हमारे शान है हमारी बरादरी की गुजर बरादरी की शान है वो एक ही मंच पर इकट्ठे बैठे हैं इसके लिए हमारे को गौरव की कोई बात नहीं हो सकती कि सारे उसने बिल्कुल पार्टी वार्टी से ऊपर उठकर सभी लोग सभी हमारे मंत्रीगण हमारे जो भी लीडर लोग हैं एक ही मंच पर बैठे हैं हमारे साथ बैठे हैं गुर्जर और एक गुर्जर का ये उत्सव क्या फीलिंग है आपको मेरी फीलिंग ये है ना हम एक गायक बंदे हमें गाना गाना चाहते हैं सुनाइए सुनाइए थोड़ा सा समझाएं तो क्या 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 हम आनंदपुर से यहां गुजर जो अभी रागड़ी गाते ना ये राग गाते हैं अच्छा राग गा आज असल में थोड़ी दो गुजरों के राग है राग है अच्छा नंद दरे ले नो अनिली जे रूरे इसका मतलब बताओ थोड़ा सा ये लोहारिए कर्मन ये मारिए बांकिए नारिए सज्जनों मिलनों आई जरूर नंदपुर मिलनों मिली जरूर अच्छा। हथी लोहारी ने गजरे चक ले तुरते सज्जना नाल कुछ और आप कहना चाहेंगे इस कल्चर के बारे में आज सर जी हम तो ऐसा है पता लग गया भी गुजर महोत्सव है अभी आए जी एक मेले जाए
फिर उपर से गुजरों के मेले च आए अभी गुजरों के मेले आए सा इन्नी खुशी आई साढ़े तो बयान करने शब्द नहीं खुश फीलिंग डबल हो गई मतलब बहुत डबल जी बहुत बहुत खुश है जाने जी भैया आप पंजाब से हाँ मैं पंजाब से हूँ मेरा नाम शमशेर सिंह है खटाना और आनंदपुर तहसील जिला रोपड़ अच्छा मैं जोड़ी साड़ी चंगर गुजर फिल सभा वह मैं वाइस प्रेजिडेंट हूँ और जो सा रोमी पार्टी जी से असं न्यूनते दिते पहुँचे है और जो इतने कि सानू सीखने को मिले बहुत कुछ सीखने को मिले कुछ इदा का कि रीति रिवाज थे कि सानू कुछ चीज़ा इदा दलोप हो चुकिया सगिया कि जोड़ा इतने कोई पहरावा पहरावे भी कुछ सानू इतने बड़ा देखने को मिले और असी पंजाब की पूरी टीम आई इतने और आनंदपुर साहब तो असी एक होर भी सोचा है कि नैक्सट टाइम भी आप प्रोग्राम करा जिन्हें भी असं पंजाब वाले आए हैं इतने आप लंगर लगावे अच्छा 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 जी मैं नफी साहब से सर्च किया कि एक चीज़ की कमी सी वो आप दसते हैं कि आप पंजाब वालों आके इतने आप स्पैशल पानी और लंगर की सेवा जी है वो साढ़े आनंदपुर साहब जी साढ़े पंजाब वालों होगी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत बधाई देंगे रोमी भाई जी जो रोमी भट्टी जी ने जो प्रोग्राम किया कुछ साढ़े इन्ने गोल से साढ़े बरातियां सगिया जेडे इतने देखने को मिले कुछ साढ़े जेडे गुजर साढ़े गुजर भाई है वो इन्ने इन्ने अहदे से सानू नहीं पता था बिल्कुल अज असी तो देखने से सानू बड़ा माण होया कि साढ़े गुजर भी तक पहुँच गए बिल्कुल नहीं गुजर समाज का कहीं ना कहीं इस जो माध्यम है आज एक मेला जो हो रहा है इसका कारण भी यही है कि लोगों को एक दूसरे जान सके आज हमें पता चला कि राग जान देखने को मिल रहा है इधर राग नहीं चल रही है तो यही इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य भी यही है हाँ यही है सर बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं पूरी टीम को जो इन्होंने पूरा प्रबंध कर रखा है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी पवन चौहान आनंदपुर साहब तो जी ए जो मेले का जो भी साडा जी रोमी भट्ट जी ने सानू दस्या इन्हां बारे सानू नहीं सीगा पता ते सारी पूरी टीम आई उरे गुर्जर समाज में और गुर्जर समाज के मेले को देख के क्या मतलब क्या फीलिंग है मैं कहा जी गदगद हो गया है ना अच्छा। नजारा आ गया पता लग गया जी तो लोग पंजाब से अपने भाई साथी नहीं आ पाए तो उनको उन्होंने मिस कर दिया कहीं ना कहीं 50 आदमी टीम आई हुई है हमारी और हमारी टीम तो बहुत बढ़िया है और ये देखने के बाद फिर हमारे मतलब बिजनेसमैन भी है कलाकार भी वो बहुत अपने बिल्कुल तो अगली बार और भव्य होने वाला है बहुत ज्यादा पंजाब का भी एक अलग नाम दिखेगा और पंजाब का देखेंगे आप बिल्कुल बिल्कुल अभी हमारे को पहला प्रोग्राम था पता नहीं था ये तो रोमी भाट जी ने हमारे को बिल्कुल बुलाया उन्होंने देखो भी हमारा प्रोग्राम वहाँ उस हिसाब से हम भी इंतजार करेंगे उस दिन का जब आपसे दोबारा मिले एक बड़ी टीम के साथ मिले क्यों सबसे बात करेंगे अच्छा सर मैं एक थोड़ी गल कहनी चाहता कि जिदा का प्रोग्राम इतने कर अपना इनू करके ये सोचेंगे अगले साल आप इदा का प्रोग्राम बनाएंगे आप पंजाब के करा इदा का प्रोग्राम करा आप जो इधर के लोगों को पंजाब भी दिखा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा अच्छा लगा सबसे पंजाब वासियों से और सबको सत श्री अकाल बहुत बहुत धन्यवाद तो यही हमारे चैनल भारत के गुर्जर का माध्यम भी है ये अपना गुर्जर समाज है सब ये देखिए आज इसी महोत्सव में आप देख रहे हैं सब समाज एक साथ है एक छत के नीचे है और काफ़ी गर्व फील हो रहा है और मुझे ये पत्रकारिता करने का मौका मिल रहा है इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है मैं सबसे मिल रहा हूँ सबसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे ही चैनल अपने भारत के गुर्जर को आप प्यार देते रहिए आप हमें ऐसी ही वीडियो दिखाते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद।